Hello and welcome back to our channel. This is our third video in thermodynamics. In this video, we discuss the types of thermodynamic system, and at the end of the video, we discuss some important previous year numerical which is based on thermodynamic system. So let's start this lecture. So दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे thermodynamic system का मतलब समझते हैं. सबसे पहले इसकी definition read करते हैं. It defined as the fixed mass or fixed region in space upon which our study is focused. दोस्तों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज दोस्तों ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. यहाँ पे ये एक टीचर है, इस टीचर का ध्यान दोस्तों इन तीन बच्चों के ऊपर है. तो दोस्तों इस टीचर के लिए ये जो तीन बच्चे हैं ये सिस्टम हो गया, ठीक है. अब सपोज एक बाहर पर्सन है, इस पर्सन के लिए दोस्तों ये जो क्लास है ये क्लासरूम ही इसके लिए सिस्टम हो गया. तो दोस्तों जहां पे भी हमारा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जहां पे हम कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं या फिर जहां पे हम फोकस होते हैं, वो हमारा सिस्टम हो गया. अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है हमारी, उसमें लिखा है फिक्स मास और फिक्स रीजन. इसका मतलब क्या है, या तो जो सिस्टम है हमारा उसका मास कॉन्स्टेंट होगा, ये मतलब है दोस्तों फिक्स मास का, फिक्स मास का. और फिक्स रीजन का मतलब क्या है, देखो मास फिक्स मतलब देखो ये तीन बच्चे हैं, ये तीन बच्चे फिक्स हैं. अब यहाँ पे फिक्स रीजन, फिक्स रीजन में दोस्तों मास कांस्टेंट नहीं होगा. फिक्स रीजन का मतलब है दोस्तों वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है. अब यहाँ पे जो मास है वो आ और जा रहा है, इसको ऐसे समझो. सपोज ये रोड है, ये रोड है. अब यहाँ पे दोस्तों इस रीजन को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, ये इतना सा रीजन, देखो इतना सा रीजन, ये रीजन है. यहाँ पे देखो गाड़ी आ रही है और जा रही है, ठीक है. इस तरीके से नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या हो रहे हैं, इस रोड के ऊपर से जा रहे हैं. बट यहाँ पे दोस्तों हमारा सिस्टम क्या है, ये जो रीजन जो हमने सेलेक्ट किया है दोस्तों, ये ही हमारा क्या है, सिस्टम है. तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब आपको समझ में आ गया, या तो फिक्स मास होना चाहिए या तो फिक्स रीजन होना चाहिए जहां पे हम कॉन्सेंट्रेटेड है. तो ये मतलब है दोस्तों थर्मोडायनेमिक सिस्टम का. अब दोस्तों सिस्टम, अब एक और वर्ड आता है दोस्तों सराउंडिंग. अब सराउंडिंग का मतलब है क्या है वो समझो. देखो ये सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम के जो भी बाहर होगा वो हमारा सराउंडिंग हो गया. सिस्टम और सराउंडिंग को दोस्तों सेपरेट करेगा ये बाउंड्री, ये इमेजिनरी बाउंड्री दोस्तों सेपरेट कर रहा है सिस्टम और सराउंडिंग का. तो यहाँ पे डेफिनेशन रीड करते हैं एक बार सराउंडिंग की. सराउंडिंग की डेफिनेशन क्या है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम के बाहर. ये सिस्टम है और यहां पे ये हो गया हमारा सराउंडिंग, ठीक है. और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है ये है हमारा बाउंड्री, ठीक है. तो बाउंड्री से हमें पता चलता है कि इतना सा हमारा सिस्टम है और इसके बाहर पूरा क्या है, सराउंडिंग. अब यहां पे दोस्तों बाउंड्री का मतलब समझते हैं. बाउंड्री देखो कैसी होगी, इट इज अ रियल और इमेजिनरी सरफेस विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग. बाउंड्री दोस्तों रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है. इसका मतलब ऐसे समझो, सपोज दोस्तों यहाँ पे ये ओपन बीकर है, एक ग्लास रखा हुआ है सपोज. तो यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया सिस्टम, सिस्टम हो गया इतना सा पोर्शन. तो यहाँ पे दोस्तों हमने डॉट डॉट लाइन से क्या बनाया है, एक रीजन बनाया है. तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है. इसमें देखो ये वाला जो साइड है ये कैसा है, ये रियल साइड है. ये वाला साइड भी कैसा है, रियल साइड है. ये वाला साइड भी कैसा है, रियल साइड है. बट ये वाला जो साइड है ये कैसा है, इमेजिनरी, इमेजिनरी, जहां पे हम मास निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं. तो वो सिस्टम हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी. रियल में यहाँ पे मास ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा. तो बाउंड्री दोस्तों दो तरीके की होती है, रियल और इमेजिनरी सर्फेस विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग. हमारे मैकेनिकल कॉम्पोनेंट में देखो अगर हम नोजल की बात करें, ये नोजल है, तो यहां पे देखो जो हमारा सिस्टम होगा वो कुछ इस तरीके से हम लेंगे. ये हो गया दोस्तों हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम. अब ये ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो यहां पे देखो ये जो है ये हमारी रियल बाउंड्री, ठीक है, जहां पे हम ना मास ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है. बट यहाँ पे देखो इस तरफ से मास, पानी देखो इधर से पानी आएगा और इधर से पानी जाएगा, तो यहाँ पे मास ट्रांसफर पॉसिबल है. तो दोस्तों ये क्या है, हमारा इमेजिनरी बाउंड्री है, ये है इमेजिनरी बाउंड्री, ये भी इमेजिनरी बाउंड्री है और ये रियल बाउंड्री है. तो ये मतलब है दोस्तों
रियल और इमेजिनरी सर्फेसिस का। अब दोस्तों यहाँ पे एक और बात कही गई है, अकॉर्डिंग टू मैथ्स अ बाउंड्री हैज जीरो थिकनेस नो मास नो वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, जो बाउंड्री हम सेलेक्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम के लिए उसकी थिकनेस जीरो है, ना ही उसका मास है और ना ही उसका वॉल्यूम है, ये हम कंसिडर करके चलते हैं जो भी हम बाउंड्री सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल में जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है उसका ना तो थिकनेस है और ना ही उसका मास है और ना ही उसका वॉल्यूम है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो बाउंड्री दो तरीके की हो सकती है, पहला है रियल बाउंड्री और दूसरा है हमारा इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, तो सबसे पहले रियल बाउंड्री समझते हैं। रियल बाउंड्री दोस्तों फिक्स भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, जो हम आगे देखेंगे। देखो रियल बाउंड्री में क्या होगा, मास ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ये मैंने अभी आपको बताया। जैसे क्लासरूम का जो वॉल है ये दोस्तों हमारा हो गया रियल बाउंड्री, बट यहाँ पे देखो ये तो हमारा क्लासरूम है बट यहाँ पे हम बाउंड्री ये सिलेक्ट करेंगे। देखो इस तरीके से हम बाउंड्री सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जो बाउंड्री है उसका थिकनेस क्या है, जीरो है, ना ही उसका मास है और ना ही उसका वॉल्यूम है। सिलेंडर पिस्टन विथ नो वॉल्व्स, यहाँ पे देखो ये तो बाउंड्री हमारी कैसी होगी, फिक्स हो गई, बट सिलेंडर पिस्टन में देखो ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ये वाला साइड है ये कैसा है, फिक्स है, ये फिक्स बाउंड्री है, बट ये वाला जो बाउंड्री है वो कैसा है, मूवेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया, तो देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये फिक्स है तो ये फिक्स बाउंड्री हो गया, और जो ये पिस्टन वाला साइड है वो कैसा है, मूवेबल। तो रियल बाउंड्री दोस्तों फिक्स भी हो सकता है और मूवेबल भी हो सकता है। इन रियल बाउंड्री नो मास ट्रांसफर इज पॉसिबल। ठीक है, वॉल्स ऑफ क्लासरूम सिलेंडर पिस्टन विथ नो वेल्व्स, यहाँ पे वेल्व्स नहीं है, जब वेल्व्स होंगे तो उसके केस में कुछ और होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो जो सेकंड है हमारा बाउंड्री का टाइप उसमें है इमेजिनरी बाउंड्री, ये इनविजिबल बाउंड्री है। जैसे मैंने अभी आपको नोजल वाला केस बताया था जिसमें नोजल ये था हमारा इस तरीके से, यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया सिस्टम, इस तरीके से हम सिस्टम सेलेक्ट करेंगे रीजन ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे ये जो साइड है ये कैसा है, इमेजिनरी बाउंड्री है, इनविजिबल है, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे ये इनविजिबल है, इनविजिबल है। यहाँ पे मास ट्रांसफर पॉसिबल हो सकता है, मैंने बताया था आपको यहाँ से पानी एंटर करेगा और यहाँ से पानी आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी सरफेस क्या हो गया, इमेजिनरी बाउंड्री होगी, इमेजिनरी बाउंड्री। तो इमेजिनरी बाउंड्री दोस्तों इनविजिबल बाउंड्री होती है और ये हमारा है कैसा, रियल बाउंड्री। इसका एग्जाम्पल ओपन बीकर और नोजल हो गया। अब दोस्तों जो बाउंड्री है उसको हम क्लासीफाई करते हैं, एक तो मूवमेंट के बेस पे क्लासीफाई करते हैं, जैसे फिक्स हो गया, और दूसरा है मूवेबल। फिक्स में डायमेंशन बाउंड्री की फिक्स होगी, जैसे बाउंड्री ऑफ रूम अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें बाउंड्री की डायमेंशन चेंज हो रही है। जैसे बैलून है, बैलून को हम जैसे जैसे फुलाएंगे तो इसका क्या होगा, साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो इसकी बाउंड्री कैसी है, मूवेबल। जैसे सिलेंडर और पिस्टन, ये भी फ्लेक्सिबल बाउंड्री का केस है। तो यहाँ पे हमने बाउंड्री को एक तो मूवमेंट के बेस में क्लासीफाई किया है, और दूसरा हम इसको हीट ट्रांसफर के बेस पे भी क्लासीफाई करते हैं, जैसे डायाथर्मिक वॉल और एडियाबेटिक वॉल। तो यहाँ पे याद रखना, जो डायाथर्मिक वॉल होते हैं उसमें हीट ट्रांसफर पॉसिबल होता है, हीट फ्लो कर जाती है। जैसे जो मेटल कंटेनर्स है, हम खाना बर्तन पे बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि जो हम हीट है वो ट्रांसफर करा सके, तो हीट यहाँ पे पास हो रही है, तो हीट नॉट इक्वल टू जीरो इन द केस ऑफ डायाथर्मिक वॉल, बट इन एडियाबेटिक वॉल दोस्तों हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा। जैसे थर्मोफ्लास्क है, इसमें हम हॉट वाटर स्टोर करते हैं ताकि जो हीट है वो सराउंडिंग में ना जा सके, तो हीट ट्रांसफर इसमें पॉसिबल नहीं होता है, किसमें, एडियाबेटिक वॉल में, ये इंसुलेटेड होता है पूरी तरीके से, यहाँ पे ये क्या है, इंसुलेटेड, बट यहाँ पे डायाथर्मिक वॉल में हीट ट्रांसफर पॉसिबल होगा। तो इसका एग्जाम्पल मेटल कंटेनर है और इसका थर्मोफ्लास्क है। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिस्कस करते हैं, उससे पहले ये समझो जो भी थर्मोडायनेमिक्स है दोस्तों इसमें दो तरीके के इंटरेक्शन पॉसिबल है, पहला है मास इंटरेक्शन और दूसरा है एनर्जी इंटरेक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में दो ही इंटरेक्शन होंगे, इन्हीं के बेस पे दोस्तों हम क्लासीफाई करते हैं, मतलब टाइप्स डिसाइड करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, कि ओपन सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम होगा या फिर आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो याद रखना इंटरेक्शन मास का हो सकता है या फिर एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम दोस्तों तीन तरीके के होते हैं, पहला है हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम और तीसरा है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम का मतलब समझो, सपोज ये सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम है,
यहाँ पे क्लोज सिस्टम, यहाँ पे जो मास है हमारा इस सिस्टम के अंदर वो फिक्स है, मास फिक्स मतलब मास कांस्टेंट है, बट यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी है वो इसके अंदर जा रही है और इसके अंदर से बाहर भी निकल रही है। तो मतलब जिस सिस्टम में मास ट्रांसफर पॉसिबल ना हो बट एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल हो, उस सिस्टम को हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट जो हमारा एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं, जो चेंज इन मास है वो क्या हो गया, जीरो, और जो चेंज इन एनर्जी है वो नॉट इक्वल टू जीरो। तो एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, बट मास ट्रांसफर यहाँ पे क्या है, जीरो के इक्वल है, ठीक है। इसका एग्जांपल पिस्टन हो गया विदाउट वेल्व। और दोस्तों ऐसे सिस्टम को हम कंट्रोल मास सिस्टम भी कहते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम भी कहते हैं। तो याद रखना, जब भी क्लोज सिस्टम आए तो यहाँ पे क्लोज सिस्टम का एक दूसरा नाम है कंट्रोल मास सिस्टम। यहाँ पे इस डायग्राम से ये प्रूफ हो रहा है, देखो जो सिलेंडर पिस्टन है, ये पिस्टन विदाउट वेल्व, इसी का एग्जांपल है। यहाँ पे देखो, ये जो पिस्टन है ये मूव कर रही है, जैसे यहाँ पे हमने हीट सप्लाई किया तो गैस एक्सपेंड होगी, गैस का वॉल्यूम चेंज हो गया, बट देखो मास क्या है, 2 kg है और यहाँ पे भी 2 kg है, तो मास क्या है, यहाँ पे फिक्स है। तो याद रखना, क्लोज सिस्टम में मास फिक्स रहता है, इसको अंडरलाइन कर लो इस तरीके से, क्लोज सिस्टम में मास फिक्स होता है। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है, तो हीट और वर्क, ये दोनों एनर्जी होते हैं, तो हीट और वर्क क्रॉस दी बाउंड्री, जो बाउंड्री है इसको क्रॉस कर जाएगा, बट जो मास है वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल यही है पिस्टन विदाउट वेल्व। अब दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, क्लोज सिस्टम में दोस्तों जो आइडेंटिटी होती है वो फिक्स रहती है। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी इज फिक्स, ये आपको कहीं किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है। आइडेंटिटी इज फिक्स का मतलब क्या है, कैसे आप पहचानोगे कि क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है, तो ये एक स्टार मार्क्स करके अपने नोट्स में लिख लो, आइडेंटिटी इज फिक्स। इसका मतलब क्या है, देखो जब यहाँ पे ये जो पिस्टन है मूव कर रहा है, तो यहाँ सपोज इसको ऐसे समझो, ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं वो तो फिक्स रहेंगे ना, रोल नंबर वाइज हम इन स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए, फिक्स हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज फिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स, मतलब यहाँ पे ये जो क्लासरूम है इसके अंदर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो फिक्स हो गए हैं। मतलब इसको आप इससे समझो, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है गैस के वो क्या है, यहाँ पे फिक्स है। अब भले ही इसका ये जो बाउंड्री है ये मूव कर रहा है, ये गैस एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, बट यहाँ पे दोस्तों जो इन सब की जो पहचान है, इन सब का जो रोल नंबर है वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो कंट्रोल क्लोज सिस्टम है इसके अंदर आइडेंटिटी फिक्स होती है। ऐसे ही हम ओपन सिस्टम में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे ओपन सिस्टम में क्या होगा, ओपन सिस्टम में आइडेंटिटी फिक्स नहीं होगी, क्योंकि देखो ओपन सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हो, ये रोड है और यहाँ पे देखो ये सिस्टम हमने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे इस रोड में क्या होगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं और यहाँ से लीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के व्हीकल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो ऐसे में जो आइडेंटिटी है इज नॉट फिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी इज नॉट फिक्स। ये दो वर्ड्स आइडेंटिटी इज फिक्स और आइडेंटिटी इज नॉट फिक्स, ये डिसाइड करते हैं जो सिस्टम है हमारा ओपन सिस्टम है या फिर क्लोज सिस्टम है। तो यहाँ पे जो ओपन सिस्टम है इसके अंदर मास भी एंटर कर रहा है और मास बाहर भी निकल रहा है, और एनर्जी भी क्या कर रही है, यहाँ पे एंटर कर रही है और एनर्जी आउट भी हो रही है। तो जिसमें मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर दोनों पॉसिबल है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं दोस्तों ओपन सिस्टम। इसका दूसरा नाम है दोस्तों कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। इसमें जो वॉल्यूम है वो फिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट वहाँ पे जो हमारा क्लोज सिस्टम है इसमें मास फिक्स रहता है, ये बात आप याद रखना। जैसे ओपन सिस्टम में देखो, इसके एग्जांपल है तुम्हारे पिस्टन विद वेल्व। पिस्टन विद वेल्व का मतलब है कुछ इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे ये पिस्टन है हमारा, वेल्व का मतलब है दोस्तों यहाँ से हम फ्यूल की सप्लाई करते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मास ट्रांसफर पॉसिबल हो रहा है, मास यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से लीव कर रहा है,
ठीक है, तो मास ट्रांसफर भी पॉसिबल हो रहा है, और जब यहाँ पे हीट सप्लाई होगी तो जो गैस पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे जो पिस्टन है ये मूव करेगा, मैकेनिकल एनर्जी है, तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर भी पॉसिबल है। तो देखो जो सिलेंडर पिस्टन है विद वेल्व्स ये कैसा है, ओपन सिस्टम है, ठीक है, वैसे एयर कंप्रेसर पंप। तो यहाँ पे देखो जो मैं बता रहा हूँ आपको वो इसका मतलब ये है कि ये जो हम सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, देखो ये हमने इतना सा सिस्टम कंसिडर किया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। बट अगर हम सिस्टम, हमें सपोज गैस के बारे में चेक करना है, तो हम उस समय ये सिस्टम कंसिडर करेंगे, ये सिस्टम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम देखो, जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो फिक्स है, बट देखो जब पिस्टन मूव करेगा तो पिस्टन की जो एक्चुअल पोजीशन होगी वो यहाँ पे होगी कुछ देर बाद, ठीक है। तो अब देखो ये जो वॉल्यूम है ये क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया। तो ओपन सिस्टम में दोस्तों जो वॉल्यूम है वो इज फिक्स और चेंज, दोनों होता है, फिक्स भी हो रहा है और चेंज भी हो रहा है, वॉल्यूम फिक्स भी हो रहा है और चेंज हो रहा है, इसका ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत करना कि फाइनाइट वॉल्यूम पे क्लिक मत करना, जब भी चार ऑप्शन है ओपन सिस्टम में जो वॉल्यूम है सिस्टम की वो चेंज भी हो सकती है, ठीक है। इसके एग्जांपल और भी देख लो, एयर कंप्रेसर पंप, वाटर टैंक, नोजल और ह्यूमन बॉडी, ये सब एग्जांपल है दोस्तों ओपन सिस्टम की। एयर कंप्रेसर में देखो, ये सपोज कंप्रेसर है, यहाँ से लो प्रेशर गैस आती है और यहाँ से हाई प्रेशर गैस में वो कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पे देखो मास आ रहा है और जा रहा है, एनर्जी ट्रांसफर भी यहाँ पे हो रही है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एनर्जी इंक्रीज होगी। तो एयर कंप्रेसर भी कैसा है, ओपन सिस्टम है। सिमिलरली पंप हो गया, पंप भी यही काम करता है, पानी का प्रेशर बढ़ा देता है। वाटर टैंक में क्या होता है, पानी आता है और पानी जाता है, वाटर टैंक में हम स्टोर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए पानी, और फिर जो टैंक है देखो इस तरीके से, यहाँ से सपोज पानी आया और यहाँ से पानी एंटर कर रहा है और यहाँ से पानी लीव कर रहा है, ये वाटर टैंक का एग्जांपल हो गया। नोजल में भी यही होता है, नोजल हमने अभी डिस्कस कर लिया था। ह्यूमन बॉडी देखो, ह्यूमन बॉडी भी दोस्तों ओपन सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे देखो हम ब्रीथ लेते हैं, इनटेक कर रहे हैं और आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी भी कैसा है हमारा, ओपन सिस्टम है। अब थर्ड सिस्टम देखो, यह है आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना ही मास ट्रांसफर हो और ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी इंट्रैक्शन जीरो हो रहा है और मास इंट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो ये हमारा कैसा हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एग्जांपल यूनिवर्स हो गया अपना, जो भी हम करते हैं सिस्टम, मतलब जो भी हम यूनिवर्स के अंदर कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसके अंदर ही है, उसके बाहर कुछ भी चीज़ ट्रांसफर नहीं हो रही, तो यूनिवर्स हमारा कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। रेफ्रिजरेटर भी दोस्तों हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर से ना ही हीट बाहर आती है और ना ही हीट निकलती है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में ये भी याद रखना जो हीट ट्रांसफर है वो कैसा होगा, जीरो होगा, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। हॉट वाटर इन थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क में आप गर्म पानी स्टोर करके रखते हो बहुत देर के लिए, तो ये भी कैसा है हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम है। बट एक्चुअल में थर्मोफ्लास्क आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है क्योंकि थोड़ी देर बाद जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। बट आइडियली अगर हम केस माने तो यहाँ पे जो हमारा थर्मोफ्लास्क है वो भी कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। और जिसमें हम बर्फ़ रखते हैं या फिर आइसक्रीम रखते हैं जिस थर्मोफ्लास्क में, वो भी कैसा है हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आइसोलेटेड सिस्टम्स के। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ हमारे जो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो खत्म हो गया, अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि थर्मोडायनेमिक्स पे बेस है और ये प्रीवियस ईयर गेट और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये गेट 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम एग्जीक्यूट अ प्रोसेस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना ही मास ट्रांसफर हो और ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो और जो हीट ट्रांसफर है, मैंने बताया ना थर्मोफ्लास्क में से हीट सराउंडिंग में नहीं जाती है, ये तीनों केस अगर पॉसिबल है तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स कहते हैं। तो यहाँ पे नो हीट इज ट्रांसफर, नो वर्क इज डन, नो मास फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मल्टीपल्स ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन देखो आप, एसरेशन और रीजन का क्वेश्चन है, IAS 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स मे बी कंसिडर एज अ क्वांटिटी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विद विच इंट्रैक्शन ऑफ हीट एंड वर्क आर स्टडी। और रीजन क्या कह रहा है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड हीट आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। देखो एनर्जी वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर देते हैं
और हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। तो यहाँ पे रीजन तो बिल्कुल सही है, बट एसरेशन में देखो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कंसिडर एज अ क्वांटिटी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विद विच इंटरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क दोस्तों ये दोनों एनर्जी है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में दोस्तों हम एनर्जी और मास इंटरेक्शन दोनों पढ़ते हैं, है ना। ओपन सिस्टम में एनर्जी मास दोनों इंटरेक्ट होता है, और जो क्लोज सिस्टम है इसमें हमारा मास ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता बट एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों नहीं होता। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में दोस्तों हम एनर्जी ट्रांसफर भी पढ़ते हैं और मास ट्रांसफर भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में हीट एंड वर्क ही बोला गया है, तो ये एसरेशन बिल्कुल गलत है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब थर्ड देखो, कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब क्या है? कंट्रोल वॉल्यूम अ फिक्स रीजन इन स्पेस वेयर मास हीट एंड वर्क क्रॉस द बाउंड्री ऑफ दैट रीजन। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। हमने पढ़ा था, देखो कंट्रोल वॉल्यूम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, अ क्लोज सिस्टम बट हीट एंड वर्क क्रॉस द बाउंड्री। कंट्रोल वॉल्यूम क्लोज सिस्टम भी नहीं होता, क्लोज सिस्टम को हम कंट्रोल मास सिस्टम के क्लोज सिस्टम को हम कंट्रोल मास सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास इन स्पेस, मास जो है यहाँ पे वेरिएबल होता है किसमें, कंट्रोल वॉल्यूम में। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, अ क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है, ऐसे सिस्टम को हम क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। देर इज नो एनर्जी ट्रांसफर बट मास ट्रांसफर एग्जिस्ट, तो ये रॉन्ग है। देर इज नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा बट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ, आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एयर इन स्टर्लिंग इंजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, स्टेडी फ्लो डायबिटिक सिस्टम, क्लोज सिस्टम विद मूवेबल बाउंड्री एंड क्लोज सिस्टम विद फिक्स बाउंड्री। देखो ये हमारा स्टर्लिंग इंजन है। इस इंजन में क्या हो रहा है, नीचे से हम यहाँ से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे एक गैस है। ये क्या करिए, जैसे हीट सप्लाई करेंगे तो गैस एक्सपेंड होगा, तो ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये है हमारा हीट एक्सचेंजर। तो जैसे ही गैस गर्म हुई, एक्सपेंड होने से क्या हुआ, जो हीट है वो इस हीट एक्सचेंजर ने ले ली। तो हीट एक्सचेंजर ने हीट ले ली तो अब हीट गायब हो गई, तो वापस से पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे देखो एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है। ठीक है, अब जैसे ही पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है तो ये जो रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है, ये इसने क्या रोटेट कर दिया, इस क्रैंक को रोटेट कर दिया, तो जो हमारा जो व्हील है वो रोटेट होने लग गया, इस तरीके से रोटेट होने लग गया, कंटिन्यूसली रोटेट करेगा, बिकॉज यहाँ पे पिस्टन ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, नीचे कैसे आया, जैसे ही गैस गर्म हुई तो इसने गर्म गैस किसने ले ली, इस हीट एक्सचेंजर ने ले ली, तो हीट जो गैस है वो वापस से इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे हीट कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा है, तो बार बार क्या हो रहा है, ये एक्सपैंड और कंप्रेस हो रहा है। तो ये कैसा, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल का मतलब है दोस्तों टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मास ट्रांसफर पॉसिबल है क्या, तो मास ट्रांसफर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो गैस है वो तो पिस्टन के अंदर या सिलेंडर के अंदर ही है, तो मास ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस। तो स्टर्लिंग इंजन कैसा है दोस्तों, क्लोज सिस्टम है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन में क्लोज सिस्टम है, फिक्स बाउंड्री और मूवेबल बाउंड्री। तो यहाँ पे देखो पिस्टन हमारा कैसा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है, तो कैसी बाउंड्री है यहाँ पे, जो ये सिस्टम हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ये सिस्टम है। अब जैसे ही पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो ये हमारा सिस्टम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा रीजन है उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाउंड्री कैसी है, मूवेबल बाउंड्री है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आइसक्रीम फ्रीजर ये कैसा है, देखो आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि हीट ट्रांसफर क्या हो गया, इसमें जीरो हो गया, हीट बाहर नहीं निकल रही, तभी तो हम आइसक्रीम उसके अंदर रख रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या हो रहा है, ये है दोस्तों हमारा ओपन सिस्टम। दोस्तों जितने भी मैकेनिकल के सिस्टम्स होते हैं वो सारे अप्रॉक्सीमेटली सारे के सारे ओपन सिस्टम होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होते। 90% मैकेनिकल में सारे सिस्टम ओपन सिस्टम्स होते हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी सिस्टम्स हम पढ़ते हैं वो भी ओपन सिस्टम्स होते हैं। प्रेशर कुकर कैसा है हमारा, बॉम्ब कैलोरीमीटर और प्रेशर कुकर, ये दोनों कैसे हैं, क्लोज सिस्टम है। और बॉम्ब कैलोरीमीटर ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है इसका।
अब सेवेंथ देखो, आइस कैप्ट इन वेल इंसुलेटेड थर्मो फ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच सिस्टम, बताने की जरूरत नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम है। हॉट कॉफी स्टोर इन वेल इंसुलेटेड थर्मो फ्लास्क, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, ये भी कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। नाइन्थ देखो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी एन आइसोलेटेड वन, देखो थर्मोडायनेमिक आइसोलेटेड का मतलब क्या है, एनर्जी ट्रांसफर जीरो, मास ट्रांसफर भी जीरो, तो एनर्जी ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर आर जीरो। मैच देन वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो इंटरचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल इन क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर क्या होता है, जीरो, मास हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। सी में देखो इंटरचेंज ऑफ मैटर इज पॉसिबल इन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर हो जाता है। एनी प्रोसेस इन विच द सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कंडीशंस और स्टेट इज कॉल्ड, देखो कोई भी सिस्टम, सपोज ये साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक में देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, तो कोई भी सिस्टम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक। द क्वांटिटी ऑफ मैटर अंडर कंसिडरेशन इन थर्मोडायनेमिक इज कॉल्ड सिस्टम, क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब मास फिक्स है तो ऐसे सिस्टम को हम मतलब ऐसे कंसिडरेशन को हम सिस्टम कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो इलेवेंथ, हीट से वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट से वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हीट से वर्क में हम हीट इंजन में ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फ्यूल को जला के उसको हम जो व्हील है गाड़ी का वो रोटेट करवाते हैं। हीट टू लिफ्ट वेट, हीट से दोस्तों हम किसी वेट को उठा रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल कब होगा, हॉट एयर बैलून में होगा, ठीक है। हीट से स्ट्रेन एनर्जी, किसी भी चीज़ को गर्म करके हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स, बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स, इसमें हमने इसको हीट किया तो ये क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, तो जब ये एक्सपैंड होगा तो इसमें स्ट्रेन एनर्जी होगी, तो हीट से स्ट्रेन एनर्जी ये कौन सा हो गया, सिक्स। अब हीट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ये कौन सा होगा, ये होगा हमारा थर्मल रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ये हमारा रेडिएशन वाले में ही आता है। तो हीट से क्या निकलेगा, हीट से बहुत तरीके की वेव्स निकलेगी, एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, सारी रेज निकलेगी, तो हीट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो ये हमारा थर्मल रेडिएशन हो गया। तो ए का है हमारा थर्ड, बी का है हमारा फोर्थ।